नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 24। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैरिज से रिलेटेड थे, बच्चों से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। यदि हम देखें, आपने पूछा आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखिए, आपके पाम के थ्रू ये दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। आपने पूछा अपने बच्चों के बारे में। देखिए, हम अपने पाम के थ्रू ये बता सकते हैं कि आपके जीवन में संतान सुख है, लेकिन आपके कितने बच्चे होंगे ये प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। आपने पूछा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखिए, आप देखेंगे आपकी फेट लाइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक है। यहाँ पर ये अच्छी चली है, लेकिन जीवन में बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं, जो कि एज रही है आपकी 35 के आसपास, 38 और 42 के आसपास काफ़ी ज़्यादा बड़े चांसेस हैं आपको फाइनेंशियल लॉस होने के। देखिए, इस एज में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपने पूछा हेल्थ से रिलेटेड। देखिए, आपकी हार्ट लाइन अस्त व्यस्त है। जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा छोटी है, जो कि दिखाती है कि हेल्थ से रिलेटेड आपको इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। माइंड लाइन भी यही शो कर रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कॉन्शियस रहना होगा और अभी से रहना होगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपकी लिटिल फिंगर काफ़ी ज़्यादा हटके चली है बाकी फिंगर्स से, जो कि दिखाती है कि आपकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप चीज़ों को अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से ही समझते हैं। बाकी लोगों से आपकी समझ काफ़ी ज़्यादा अलग रही है, यह इस चीज़ को बताती है। फिंगर्स के बीच में गैप हो तो दिखाता है कि आपका जो स्वभाव है थोड़ा सा खर्चीला भी है। अगर हम इन दोनों फिंगर्स को कंपेयर करें, लिटिल रिंग फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को, तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर है, जो कि दिखाती हैं कि आपकी जो नेचर है सेंसिटिव टाइप है, छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेते हैं आप। जब भी रिंग फिंगर इस प्रकार से बेंड होती है, दिखाती है कि आपके अंदर यश पाने की जिज्ञासा बहुत है। आप चाहेंगे कि आप कम टाइम में आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो, आपके काम में फैलाव आए। अब चलते हैं आपकी मर्क्यूरी की तरफ। यहाँ पर आपको स्पष्ट तीन रेखा नज़र आएंगी। देखिए, मर्क्यूरी माउंट दिखाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, आप सही टाइम पर सही डिसीजंस ले पाएंगे, या इस चीज़ को बताती है। आपका मर्क्यूरी उभार लिए हुआ है तो यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, आप बात को सही तरीके से सही टाइम पर कह पाते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को सही तरीके से समझ पाता है, यह इस चीज़ को बता रहा है। बाकी यह दिखा रहा है कि आपकी मीठी वाणी है और मध्यम सुंदरता है। सन माउंट पर हम चले तो सन माउंट पर मुझे क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये दिखाता है, हो सकता है कि आपके पिताजी से ना बनती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने पिताजी से दूर रहना पड़ा हो, यह इस चीज को बताता है। देखिए, सन माउंट आपका दिखा रहा है कि आपको जीवन में सफलता मिल जाएगी, लेकिन फ्लैट है ये, तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस आपको चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। जो आप नेम पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो यश कीर्ति आपको चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। तो आप चाहेंगे तो हम इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दे देंगे। सैटर्न माउंट पर हम चले तो सैटर्न माउंट आपका बिल्कुल फ्लैट है। देखिए, आपकी मिडिल फिंगर भी बेंड हो गई थी, ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगी। ये दिखा रही है कि आपको सफलता मिल जाएगी, अच्छे लेवल पर मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी, अपने करियर के रिगार्डिंग आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा जीवन में, तभी आपको अच्छे लेवल पर सक्सेस देखने को मिलेगी। जुपिटर माउंट पर अगर हम चले तो जुपिटर माउंट पर क्रॉस का सिंबल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ पार्टनर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगी, आपको सपोर्ट करने वाली होंगी, चाहे आप वो फाइनेंशियली करें चाहे मेंटली, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर ये जो साइन होते हैं दिखाते हैं आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी हैं। यहाँ पर गुरु वाले का साइन भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दिखाता है कि आपका ध्यान मिस्टीरियस थिंग्स, रहस्यमय विद्याएं जैसे कि पाल मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इन सब के फील्ड में आपका ध्यान जरूर जाएगा। आउटर मार्स पर चले तो आउटर मार्स काफी ज्यादा उभार लिए हुआ है, हो सकता है कि आपको गुस्सा अधिक आता हो। यह दिखा रहा है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, आप साहसी भी हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको ये रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। ये रेखाएं दिखा रहे हैं कि आपके शत्रुओं से हानि होने के भी योग हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए। शत्रु आपके इस प्रकार के होंगे कि वह चाहेंगे कि आपका नुकसान ज़रूर हो, तो जितना ज़्यादा लड़ाई से बचा जाए उतना ही अच्छा है। इन सब चीज़ों से कभी भी किसी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप
इन सब चीज़ों से जितना ही दूर रहें उतना ही अच्छा है। मून माउंट पर अगर हम चलें तो मून माउंट आपका थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, मन विचलित रहना या फिर मन साफ ना होना, उल्टे सीधे ख्याल आना, इस प्रकार की समस्या आपको रह सकती है। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में हैं तो सुबह से उठकर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके वीनस माउंट पर हम चलें तो वीनस माउंट काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुआ है, जो कि दिखाता है कि आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, लग्जरियस लाइफ की चीज़ों पर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड कोई दर्शाता है, तो आपका ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ ज़रूर जाएगा। बाकी वर्टिकल लाइंस भी हैं तो दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा भी है, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही कीजिएगा, हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वहाँ आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। पर आप इन्वेस्टमेंट मत ही कीजिए क्योंकि आपके पाल में बड़ी बड़ी फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाइएगा। सेविंग अगर आप सेविंग कर सकते हैं, आप सेविंग आप खुद ही कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको आड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, ये आड़ी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा पालमों में देखने को मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा हाथों में देखने को मिलती है, ये दिखाती है कि थोड़ी बहुत समस्या आपको रह सकती है मैरिज लाइफ से रिलेटेड। हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर से कभी कभी अनबन रहे, आपकी ना बन पाए, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। इनर मार्स पर हम चलें तो इनर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिकल एनर्जी स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, काम कर कर जल्दी थकावट महसूस करते हैं आप, ये चीज़ को दर्शा रहा है। अगर आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन को हम देखें तो यहाँ पर बंधन योग लगा हुआ है। देखिए बंधन जब होता है तो उस चीज़ का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आ पाता है, ये दिखा रहा है कि बचपन आपका उतना अच्छा नहीं गया है जितना आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही है, या फिर परिवार से रिलेटेड समस्या भी देखने को मिलती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आए हों, लेकिन समस्याएं ज़रूर होती ही होती हैं। लाइफलाइन पर हम चले तो लाइफलाइन आपकी इतनी स्मूथली गई उसके आगे है ही नहीं, तो देखिए जो आप सोच रहे हैं वह तो नहीं है ये, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपको रहेंगे, इस चीज़ की गारंटी रहेगी। अगर आपकी माइंड लाइन पर हम चलें तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त है, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चली है। इस फेज़ में आकर आपको मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन बुढ़ापे में जाकर ऐसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप सही तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप गुस्से में आकर डिसीजंस लेंगे वह आपको असफलता की ओर ही लेके जाएंगे, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। कभी भी गुस्से में आकर, उतावलेपन में कभी भी कोई भी गलत निर्णय मत लीजिएगा, कभी भी कोई आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो सोच समझकर ही लीजिए, बड़ों का परामर्श लेकर ही लीजिएगा। अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम चलें तो हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार की है, ये दिखा रही कि जब भी जीवन में बड़ा पैसा किसी को देंगे वह आपके पास लौट कर नहीं आएगा, चाहे आप नियर एंड डियर को दें या फिर अपने फैमिली मेम्बर नहीं रिलेटिव को दें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बड़ा पैसा किसी को मत दीजिए। हार्ट लाइन आपकी अस्त व्यस्त है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपको, तो आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड आप बाहर का खाना छोड़ दीजिए, ऑयली फूड, फास्ट फूड, इन सब का सेवन कम कर दीजिए, सुबह से उठकर योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखिए, अभी से हेल्थ की तरफ बिल्कुल कॉन्शियस रहिएगा। आपकी हार्ट लाइन सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में है, देखिए दिखा रही है आपके लिए, आपका काम भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है और करियर भी इम्पॉर्टेंट है, तीनों समान रूप से आपके लिए महत्व रखते हैं, इस चीज़ को बताता है। देखिए मैंने आपके पांग का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पांग की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज किस किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए आपके पाल में मून माउंट थोड़ा सा वीक है, तो आप इसके रिगार्डिंग सुबह सुबह योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो एजिंग मैंने की थी फेट लाइन पर, उस एज में कहीं भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और सतर्क रहिएगा इसके रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की आपको पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। बाकी जो उपाय होंगे वो आपको करने होंगे फेट लाइन को मजबूत करने के लिए और इन राहु रेखाओं के लिए, सबसे पहले आपको इन्हीं के रिगार्डिंग रेमेडीज़ करनी चाहिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि हमने आपको फेट लाइन और जीवन रेखा पर जो राहु रेखाएँ हैं उनके रिगार्डिंग रेमेडीज़ बताई हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग भी, मून माउंट के रिगार्डिंग भी आप उपाय करना चाहें तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो देखने के तुरंत बाद। तो यदि अब आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह भी आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो वह पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।